सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता क्या है उसके बारे में बताया था मैंने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या काम करता है, पर्टिकुलर किस टाइप से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो मॉडिफिकेशन टू जेनेटिक मटीरियल इन प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट के अंदर जो जीन का मॉडिफाइड करना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो रहा है, और उसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए टूल्स और टेक्निक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। टूल्स मतलब किस किस चीज़ की, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, किस किस चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल पर्टिकुलर बनेगा। टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा, तो टूल्स एंड टेक्निक्स दोनों है। तो टूल्स में मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया, 4 टाइप के एंजाइम्स मैंने बताए आपको इसमें, जैसे कि एंडो न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस का काम है कट करने का, एंडो मीन्स इनर साइड कट लगा रहा है, एक्सो मीन्स आउटर साइड कट लगा रहा है। ठीक है, एंडो न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस, एंडो एक्सोन्यूक्लियस के बाद डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए लाइगेज का काम क्या है, एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू काम कर रहा है। डीएनए लाइगेज एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू काम कर रहा है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, और भी ये जो 4 टाइप्स के एंजाइम है उनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। देन नेक्स्ट है पार्ट हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर हमें हम क्यों बना रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर को, और इनका रिक्वायरमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है। तो इट इज़ अ अनोदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल टूल विच जेनेटिक्स यूज इन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सेकेंड टूल है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। क्लोनिंग वेक्टर इज द डीएनए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म इनटू विच द टारगेट डीएनए इज इंट्रोड्यूस प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये वो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसे हमने आर्टिफिशियली तैयार किया है। उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी, अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होती है। क्या काम करेगा वहाँ पे, जो उसका मेन टारगेट होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने का काम वहाँ पे करेगा। क्लोनिंग वेक्टर में ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्लोनिंग व्हीकल और अर्नर डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल भी बोलते हैं हम, और अर्नर डीएनए भी बोल सकते हैं, और एज आ इसे वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स यूज होते हैं ये इकोलाई के थ्रू यूज हो रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। हाउएवर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट बिकम डिजायरेबल टू यूज डिफरेंट होस्ट फॉर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। और अदर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके थ्रू डिफरेंट क्लोनिंग वेक्टर्स हम यूज करते हैं। सो वेरियस क्लोनिंग वेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन अदर बैक्टीरिया। वो डिपेंड करता है, हम क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा बैक्टीरिया कौन सा है, किस टाइप का है, और क्या पर्टिकुलर उसका यूज है। जैसे कि बैसिलस स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम की बात करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम जो कि रूट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस का जो अपना पर्सनल डीएनए होता है वो डीएनए प्लांट सेल के अंदर क्राउन गॉल बनाता है। उसका जो पर्सनल डीएनए होगा एग्रोबैक्टीरियम का, जिसे टीआई प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमीफेजेंस से बना टीआई। तो ट्यूमीफेजेंस की एक ये खासियत होती है, जो उसका जीन होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का काम होता है 2 चीज का बनाना। कौन कौन सा, एक तो वो आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स होंगे वो डेवलप करेगी प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन्स पर्टिकुलर 2 ग्रोथ हार्मोन्स को डेवलप करती है, एक होता है साइटोकाइनिन और एक ऑक्सिन, 2 ग्रोथ हार्मोन डेवलप करती है। सेकेंड उसका काम होता है मेटाबोलाइट्स, प्लांट मेटाबोलाइट्स को बनाना। प्लांट मेटाबोलाइट्स लाइक दैट ऑक्टापिन
एंड एग्रोपीन, ठीक है, ऑक्टापीन जो कि अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं एंड ऑक्टापीन जो कि शुगर के डेरिवेटिव्स हैं, उन्हें भी बनाने का काम करती है। अब जो एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए है, उस एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए में जो ये प्रोटीन बन रही है जीन से, उसके उससे दो चीज निकल के आ रही है, एक तो ग्रोथ हार्मोन का बनना, दूसरा जो प्लांट मेटाबोलाइट्स है उनका बनना। अब उनका काम क्या है, क्यों निकल के आ रही है, तो पर्टिकुलर इनका प्लांट में क्या काम होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का काम प्लांट के अंदर जो क्राउन वॉल डिजीज बन रही है, यानी कि मास के जैसी स्ट्रक्चर, दैट मींस एक स्वेल स्ट्रक्चर जो बन रही है, स्वेलिंग वाली एक मतलब काफी मोटी सी थिक स्ट्रक्चर जो बन रही है, तो ग्रोथ हार्मोन्स तो थिक स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बाकी जो ऑक्टापीन है ये सोर्स और एनर्जी एज अ सोर्स काम कर रहा है कार्बन और एनर्जी के लिए, ठीक है, ये काम होता है। तो बिकॉज ऑफ सबसे पहले अगर हमें एग्रोबैक्टीरियम को एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करना है एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए को, तो उसके पर्टिकुलर एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए को निकाल के जो बाहर का डिजायरेबल डीएनए होगा उसे इंसर्ट करना होगा। और इसके लिए पहले एग्रोबैक्टीरियम के डीएनए की केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि उसका काम क्या है, ठीक है, तो उसी के यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर हमारा तैयार होगा। क्लोनिंग वेक्टर विच हैज ओनली अ सिंगल साइट फॉर कटिंग बाय अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कंसीडर एज गुड क्लोनिंग वेक्टर। वो क्लोनिंग वेक्टर जिसमें केवल एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सिंगल साइट होती है उसे गुड क्लोनिंग वेक्टर बोला जाता है। डिफरेंट टाइप डीएनए मॉलिक्यूल मे बी यूज्ड एज क्लोनिंग व्हीकल, बहुत अदर डिफरेंट टाइप के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्लोनिंग व्हीकल की तरह यूज होते हैं, सच एज दे मे बी प्लाज्मिड, या वो प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, कॉस्मिड हो सकते हैं, फाज्मिड हो सकते हैं, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर की तरह कौन कौन काम कर सकता है, प्लाज्मिड कर सकता है, बैक्टीरियोफेज कर सकता है, कॉस्मिड कर सकता है, फाज्मिड कर सकता है, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो भी कर सकता है। अ गुड होस्ट ऑर्गेनिज्म इज अ एसेंशियल टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक अच्छी होस्ट का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। Most widely host for recombinant DNA technology is the bacterium E. coli. सबसे ज्यादा जो recombinant DNA technology में use होता है वो होता है bacterium E. coli. क्यों? Because cloning and isolation of DNA insert is very easy in the host. क्यों होता है? क्योंकि आसानी से उसका isolation हो सकता है, easily उसे insert किया जा सकता है. A good host organism is the one which is easy to transform and in which the replication of recombinant DNA is easier. इसके through क्या होगा? कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। दे शुड नॉट बी एनी इंटरफेयरिंग एलिमेंट अगेंस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द होस्ट सेल। वहां पे कुछ और दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो जब बाहर का डीएनए जब हम इंसर्ट करेंगे अगर इन्फेक्शन हो गया तो पूरा प्लांट ही खराब हो जाएगा। इसलिए इस टेक्निक को बहुत ही एक्यूरेसी से करना होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन का खतरा रहता है, फंगल इन्फेक्शन का रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रहता है, इसलिए इट शुड बी केयरफुली परफॉर्म, ठीक है, इसे केयरफुली परफॉर्म करना चाहिए। Desired DNA segment which is to be cloned is called as DNA insert or fluorescent DNA or target DNA. अगर हमें डिजायरेबल डीएनए चाहिए और उसे हमें क्लोन करना है मतलब उसकी कॉपीज बनानी है, तो उसे फ्लोरेसेंट डीएनए या टारगेट डीएनए बोलते हैं। जैसे पीसीआर के थ्रू अगर हम डीएनए बना रहे हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के थ्रू, हम क्या करते हैं डीएनए पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का जो पीसीआर होता है, पीसीआर की एक मशीन होती है छोटी सी, उस पीसीआर की मशीन में जो आर्टिफिशियली एंजाइम्स आते हैं, आर्टिफिशियली डीएनए पॉलीमरेज आते हैं, पर्टिकुलर एक उसमें जो ओरिजिनल होता है वो डीएनए का फ्रेगमेंट ही होता है जिसकी हमें कॉपीज बनानी होती है, और जो आर्टिफिशियली आते हैं वो मार्केट से अवेलेबल होते हैं, उसे एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इंसर्ट कराते हैं। और पीसीआर का आप लोग स्ट्रक्चर देखना गूगल पे, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कॉलम्स होते हैं, वो 6 कॉलम्स में पर्टिकुलर जो पीसीआर की ट्यूब्स होती हैं वो रखी जाती हैं, और उनके लिए टाइम पीरियड रख दिया जाता है जिस टाइम पीरियड में वो डीएनए के पार्टिकल्स की कॉपीज बनती जाती है,
ठीक है. तो द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टारगेट डीएनए इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टारगेट डीएनए चाहिए, तो सबसे पहले यही स्टेप होना चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. टारगेट डीएनए में भी वायरल, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल ऑरिजन. टारगेट डीएनए दैट मीन्स हम बनाना क्या चाहते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना किस चीज का चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं. हमारे पास किसी भी चीज को करने के लिए एक एम होना चाहिए पर्टिकुलर. अगर हम किसी क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करना है हमें, तो उसके लिए हमें, हमारे पास प्लांट होना चाहिए, प्लांट का डीएनए होना चाहिए पर्सनल, जिसके थ्रू हम उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर सकें. अगर किसी वायरल पे हमें स्टडी करनी है या बैक्टीरियल और जन पे हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास उसका होस्ट होना बहुत जरूरी है. एक दूसरा, हमें टारगेट निश्चित होना चाहिए कि हमें उसमें ये काम करना है. तो थर्ड पॉइंट था आपका, जो सी पॉइंट था, क्लोनिंग वेक्टर था. क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, एक क्लोनिंग वेक्टर का होना बहुत जरूरी है. ये है टूल्स, ठीक है. इसमें जो डी था, होस्ट ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है जिसके अंदर हमें ये चीज परफॉर्म करनी है. डी, डीएनए इंसर्ट और फॉरिजन डीएनए. The desired DNA segment which is to be cloned is called as DNA insert या foreign DNA. मतलब target DNA का होना बहुत जरूरी है, जिसे DNA insert या foreign DNA हम बोलेंगे. इसके लिए basically some steps होते हैं. Following points must be kept in mind while selecting the foreign DNA. जब भी हम कोई बाहर का DNA select कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक particular step by step, कुछ steps ऐसे होते हैं हमें क्यों वो चीज select करनी चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट है, इट कैन बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू अ वेक्टर. ऐसा डीएनए होना चाहिए, अगर एज ए व्हीकल काम कर रहा है, तो एज ए व्हीकल वेक्टर में इजीली इंसर्ट हो जाए. और वेक्टर का काम कौन करेगा, वेक्टर का काम कोई भी बैक्टीरिया कर सकता है, बैक्टीरियोफेज कर सकता है, कोई भी वायरस कर सकता है. अगर बैक्टीरियोफेज में जैसे कि एफ वो पी फेज 31 होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, वो भी एज ए वेक्टर काम करता है. बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में ट्यूमीफेजेंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस, वो भी एज ए वेक्टर काम करता है. एंड ईकोलाई एज ए वेक्टर काम करता है. तो पर्टिकुलर वो ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसमें बाहर का डीएनए आसानी से इंट्रोड्यूस हो जाए. द जीन शुड बी बेनिफिशियल फॉर कमर्शियल और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा होना चाहिए कि कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो, कि हम उसे कर रहे हैं, हमारी रिसर्च का कोई मतलब तो निकले. हमने डिजायरेबल जीन अगर हमें तैयार करना है, तो उसका कोई मीनिंग तो हो कि हम डिजायरेबल जीन चाहिए क्यों हमें. द नंबर ऑफ फॉरिजन जीन कैन बी क्लोन फॉर बेनिफिट फॉर ह्यूमन बींग्स. साथ में ह्यूमन बींग्स के लिए उसका क्या यूज है, ठीक है. सम ऑफ दीज डीएनए इंसर्ट आर द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंटरफेरोन, लिम्फोटॉक्सिन, वेरियस ग्रोथ फैक्टर, इंटरल्यूकिंस. जो ह्यूमन डिजीज होती हैं, कुछ ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड उनका यूज किया जाता है. तो ये लाइफ साइंस के ऊपर चला गया, हम यहाँ पे बॉटनी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है बायोटेक में, वो ह्यूमन बींग्स को किसी भी तरीके से जो बेनिफिशियल देता हो वो प्लांट्स पर्टिकुलर, इसीलिए यूज हो रहा है, ठीक है. तो एक टारगेट होना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर इंसुलिन यानी कि शुगर का है, तो शुगर में इंसुलिन को किस टाइप से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, वेरियस ग्रोथ हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है. ये था डीएनए इंसर्ट और फॉरिजन डीएनए का. अब आपका नेक्स्ट है लिंकर एंड एडेप्टर सीक्वेंस. लिंकर एंड एडेप्टर सीक्वेंस. लिंकर एंड एडेप्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द मॉडिफिकेशन ऑफ कट एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. जो लिंकर और एडेप्टर डीएनए का मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डीएनए फ्रेगमेंट पर कट लगाते हैं, ठीक है. दिस कैन बी जॉइंट टू द कट एंड एंड हेंस प्रोड्यूस मॉडिफिकेशन इज डिजायर्ड. और लिंकर एंड एडेप्टर सीक्वेंस के बारे में बात कर रही हूँ मैं. लिंकर एंड एडेप्टर. लिंकर एंड एडेप्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द मॉडिफिकेशन ऑफ कट एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. लिंकर और एडेप्टर सीक्वेंस जो होते हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट को
कट करने में हेल्प करते हैं. दीज कैन बी जॉइंट द कट एंड एंड हैंस प्रोड्यूस मॉडिफाइड एज डिजायर. ये कट एंड से कट एंड कट करने के बाद वहाँ ज्वाइन होते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट को मॉडिफाइड कर देते हैं. जो लिंकर और एडेप्टर सीक्वेंस होते हैं बहुत आर शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं. दोनों शॉर्ट होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड, केमिकली बने हुए होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बने हुए होते हैं. लिंकर्स हैव वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट. ठीक है, लिंकर सीक्वेंस के पास एक या एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड एडेप्टर हैव वन और बोथ स्टिकी एंड. एडेप्टर के पास एक या एक से ज्यादा स्टिकी एंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकर एंड एडेप्टर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. डिफरेंट टाइप के लिंकर और एडेप्टर्स जो होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं. जैसे कि लिंकर कंटेन टारगेट साइट फॉर द एक्शन ऑफ वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. लिंकर सीक्वेंस के पास एक टारगेट साइट होती है जो एक या एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए काम करती है. दे कैन बी लाइगेट टू द ब्लंट एंड ऑफ फॉरिजन डीएनए और वेक्टर. क्या काम करती है ये? लाइगेट मतलब जोड़ने का काम करती है. इट कैन बी लाइगेट टू द ब्लंट एंड. ब्लंट एंड को फॉरिजन डीएनए के साथ जोड़ने का काम करती है कौन? लिंकर सीक्वेंस जो होते हैं वो. They undergo a treatment with a specific restriction endonuclease to produce cohesive end of DNA fragment. Cohesive end बनाते हैं DNA fragment के लिए, यानी कि चिपकाने वाला end बनाते हैं. Eco R1 linker is a common example frequently used linker. एक अगर linker sequence का आपके आपको example आता है पूछने के लिए तो उसका example होगा Eco R1 linker. Eco R1 linker is the example for the linker sequence. Linker sequence आप लोगों को दो अलग अलग linker sequence दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे. ठीक है, linker है दोनों साइड एक linker present है. बीच में DNA का strand present है. Because of जो linker है वो भी double stranded है. ठीक है, double stranded है और उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. जब डीएनए के साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ जब ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद कैसा एंड बनाएंगे? स्टिकी एंड. स्टिकी एंड बना रहे हैं मतलब 5-3 एंड 3-5. जैसे ही बाहर का जैसे ही जो फॉरिजन डीएनए उसके पास लिंकर होते कैसे हैं? सिंथेटिकली बने हुए होते हैं, यानी कि केमिकली सिंथेसाइज होते हैं. ये वो लिंकर्स हैं जैसे जो ह्यूमन मेड्स हैं. ठीक है, जो बाहर के डीएनए के साथ इन्हें एक साथ लाके चिपकाना है. क्यों चिपकाना है? जिससे कि जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है वो खराब ना हो, वो डीएनए का मॉलिक्यूल प्रोटेक्ट रहे. इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो लिंकर्स सीक्वेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं और डीएनए के साथ दोनों एंड्स पर चिपकाए जाते हैं. ठीक है, तो लिंकर दोनों साइड्स प्रेजेंट हैं. दोनों साइड प्रेजेंट होने से क्या होगा कि आके ऐड होंगे जिससे कि जो डीएनए है हमारा वो खराब ना हो और उसमें स्टिकी एंड बनाते हैं जिससे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल में भी जाके इंसर्ट होते हैं. एडेप्टर सीक्वेंस की बात करते हैं. एडेप्टर सीक्वेंस आर केमिकली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स विच हैव प्रीफॉर्म्ड कोहेसिव एंड. जो एडेप्टर सीक्वेंस होते हैं वो भी सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास कोहेसिव एंड यानी कि चिपकाने वाले एंड्स प्रेजेंट होते हैं. एडेप्टर आर एम्प्लॉयड फॉर एंड मॉडिफिकेशन इन केस वेयर द रिकॉम्बिनेशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज प्रेजेंट विद इन द फॉरिजन डीएनए. जो एडेप्टर सीक्वेंस होते हैं वो मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं. कहाँ मॉडिफिकेशन करने का काम करेंगे? जो रिकॉम्बिनेशन जो रिकॉग्नाइज साइट होगी डीएनए फॉरिजन जो हमारे पास बाहर वाला डीएनए है उसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए जो रिकॉग्नाइज साइट होगी वहां पर मॉडिफाइड करने का काम करते हैं. जैसे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो शो हो रही है, देख पा रहे हो आप इसे? एडेप्टर है फॉर
पॉइजन डीएनए है, एडेप्टर के साथ दोनों डीएनए लाइगेट होंगे, लाइगेट यानी कि आके कोहेसिव होंगे, जैसे ही कोहेसिव होंगे दोनों एंड पे जाके एडेप्टर ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से बनेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद कोहेसिव एंड यूजिंग एडेप्टर्स। अभी हमने पढ़ा था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स के लिए बेसिक जो नीड होती है वो उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन होना चाहिए, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मतलब कि पीसीआर के थ्रू जितने जो डिजायरेबल जीन की कॉपी हमें बनानी है तो उसके लिए पीसीआर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टेक्निक में, प्रिपरेशन ऑफ द जीन, जीन को प्रिपेयर करना होगा, डिटेक्शन ऑफ द क्लोन जीन यानी कि फिर उसका रिकॉम्बिनेशन कर तैयार करना होगा, रिकम्बाइन करना होगा, ऑप्टेनिंग द फोरिजन जीन प्रोडक्ट, जो जिस डीएनए को हमने इंसर्ट किया है उसका प्रोडक्ट बनाना होगा, देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, देन उसे फिर आगे फर्दर प्रोसेस में लाना होगा, ठीक है, ये होती है बेसिक टेक्निक्स। उसके बाद इन बेसिक टेक्निक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट और स्पेशल टेक्निक्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, वेक्टर मीडिएटेड एंड वेक्टर नॉन मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर मेथड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग वेक्टर मीडिएटेड एंड नॉन वेक्टर मीडिएटेड मेथड, दोनों सेम है, या तो आपको जीन ट्रांसफर मेथड आ सकता है या फिर आपको यह आ सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो वेक्टर मीडिएटेड प्रोसेस है उसे समझाओ, ठीक है, घुमा फिरा के आ सकता है, आंसर दोनों का सेम ही होगा। तो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, प्लांट वायरल वेक्टर्स और डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं हम डीएनए को ट्रांसफर करने का तो फिजिकल मेथड होता है एंड केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब इसमें क्या काम करेंगे कि जो हमारे पास सेल होगी उस सेल को इलेक्ट्रिकली उस सेल के अपर पार्ट को रेप्चर करेंगे और वहां से जो बाहर का डीएनए होगा उसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। माइक्रो इंजेक्टाइल यानी कि पार्टिकल बम्बार्टमेंट, इसमें क्या काम करेंगे कि हमारे पास एक एक गन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर जो डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं वो इंसर्ट रहते हैं और वो डीएनए के पार्टिकल्स के लोअर साइड एक पेट्री डिश रखी हुई होती है, उस पेट्री डिश में टिश्यू रखा हुआ होता है, वो होस्ट सेल का टिश्यू होता है, उस होस्ट के ऊपर डिजायरेबल डीएनए के फ्रेगमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके हम न्यू डीएनए का मटेरियल तैयार करते हैं, एंड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स के थ्रू भी डीएनए के मटेरियल को हम न्यू डीएनए का मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड डीएनए का मटेरियल बनाते हैं। ये होते हैं फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स हैं आपके फाइव टाइप्स के, कौन कौन से, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रो माइक्रो इंजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन एंड माइक्रो प्रोजेक्शन एंड लाइपोसोम एंड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड केमिकल मेथड, केमिकल मेथड होते हैं पॉलीइथाइलीन ग्लाइसोल यानी कि पीईजी मीडिएटेड, और दूसरा होता है डीईएई डेक्सट्रॉन मीडिएटेड यानी कि डाई इथाइल एमिनो इथाइल, डाई इथाइल एमिनो इथाइल डेक्सट्रॉन मीडिएटेड मेथड। तो अगर आपको फुल फॉर्म आती है व्हाट इज द फुल फॉर्म डीईएई तो भी आप इस आपको ये फुल फॉर्म निकली होगी, और पीईजी की फुल फॉर्म आती है तो पॉलीथीन ग्लिसरॉल, किस लिए यूज होता है, ये एक केमिकल मेथड है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। बेसिकली अभी हम जो वेक्टर मीडिएटेड और वेक्टर नॉन मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है इनका, इनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ेंगे बेसिकली इन्हीं के, इनके बारे में पढ़ेंगे कि जीन, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कैसे होता है और पीसीआर के थ्रू जो डीएनए की कॉपीज होती हैं वो किस टाइप से बना रहे हैं, जीन को प्रिपेयर कैसे करना है और क्लोन जीन को किस टाइप से तैयार करना है, फिर बाहर का जो जीन है हमारे पास उसे हम किस टाइप से आगे प्रोसीजर में लेके जा रहे हैं, और देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल,
are treated with enzyme like lysozyme for bacterial cellulose, lysozyme for bacteria, cellulose for plant cell and chitinase for fungus. ठीक है, that means जो bacterial cell होती है, plant cell होती है या animal cell होती है, सबसे पहले उसे enzyme से treat किया जाता है. एंजाइम से ट्रीट, कौन कौन से एंजाइम से ट्रीट किया जाता है? अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोसोम एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा. बैक्टीरियल अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा, और अगर फंगस की सेल है तो उसे चिटिनेज एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा. क्यों किया जाएगा? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है या निकालना है. जिस बाहर के डीएनए को अगर हमें निकालना है, तो अगर वो डीएनए हमारा किसी बैक्टीरिया का है, प्लांट का है या एनिमल का है, या फिर वो फंगस का है, तो उसे पर्टिकुलर रिमूव करने के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए, प्लांट सेल के लिए सेलुलोज, एंड चिटिनेज के लिए फंगस. दिस विल ब्रेक द सेल एनवेलप and open and like DNA and RNA protein polysaccharides lipids will be released. तो ये enzyme क्या काम करेंगे? ये enzyme DNA, RNA और proteins को release करने का काम करते हैं. As in eukaryotic cell, DNA is intertwined with protein molecule like histone. Eukaryotic cell की अगर बात करते हैं हम, तो eukaryotic cell में जो DNA होता है वो histone protein से bind up होता है. Histone protein से bind up होगा तो additional protein can be removed by treating with enzyme protease. तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो protease enzyme है उससे हम पहले ट्रीट करेंगे. ठीक है, उससे ट्रीट करने के बाद आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद एंजाइम राइबोन्यूक्लिएज. राइबोन्यूक्लिएज से फिर आरएनए को रिमूव करेंगे. डीएनए सैंपल कैन बी फर्दर प्यूरिफाइड बाय यूजिंग एडिशनल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स. डीएनए सैंपल को आइसोलेट करने के बाद फिर उसे प्यूरिफाई करने की जरूरत होती है जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स होती है उनके थ्रू, बाय एडिशन ऑफ जैसे कि चिल्ड इथेनॉल की बात करते हैं. चिल्ड इथेनॉल डीएनए पार्टिसिपेट्स आउट एंड कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड एम सस्पेंशन. तो जो चिल्ड इथेनॉल होता है डीएनए प्रेसिपिटेट को तो फाइन थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर बना देता है वो डीएनए की. अगर हम डीएनए के जो हमने डीएनए का मटेरियल आइसोलेट किया है, उस डीएनए के मटेरियल को एक फाइन और प्यूरिफाइड स्ट्रक्चर में देना है, तो चिल्ड इथेनॉल से अगर हम ट्रीटेड करते हैं, डीएनए प्रेसिपिटेट कैन आउट एंड कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड एम सस्पेंशन. तो एक थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर वो बना के देगा. Agrogel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. Agrogel electrophoresis क्या काम करता है? Restriction enzyme digestion को के progression को check करता है. That means ultimate वो जो DNA का एक तरीके से length है उसे ही वो हमें बताएगा कि डीएनए का जो डिस्क्राइब करेगा, जो इन्फॉर्म करेगा कि डीएनए की लेंथ कितनी है. ठीक है, अगर डीएनए की लेंथ पता चलेगी तो जो बाकी का प्रोसेस होगा वो भी आगे का पता चलेगा. तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड मूव टुवर्ड्स एनोड. तो डीएनए नेगेटिव मतलब पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव होते हैं. सेम टेक्निक इज यूज्ड फॉर वेक्टर डीएनए. यही सेम टेक्निक जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है वेक्टर डीएनए में भी यूज होती है. ये कंप्लीट टेक्निक्स हैं आपके सिलेबस में जो आगे डिटेल में आपको बताई जाएंगी. पीसीआर है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंसर्ट यूजिंग पीसीआर. इसे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी मैं. इसके लिए कुछ चीज कुछ पॉइंट्स